इसके इस तरह के कार्यक्रम आप अक्सर कराते रहे हैं और आपने कई उपलब्धियां भी हासिल की हैं। ये 16 तारीख चुनने के पीछे में कोई राज है? यस, 16 जनवरी नीलांचल सेवा समिति का स्थापना दिवस है, इसीलिए उस तारीख को कोई भी एक कार्यक्रम बड़ा तो होने का ही था, इसलिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 16 जनवरी से किया जा रहा है। जी, दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी ये जो वर्ष चल रहा है इसके बाद जो है चुनाव होने हैं और आपने बीजेपी ज्वाइन किया हुआ है, तो क्षेत्र की जनता जानना चाहेगी कि आपकी मंशा क्या है। मेरा क्षेत्र की जनता भली भांति जानती है और पत्रकार बंधु लोग भी जानते हैं, मेरा एक ही उद्देश्य है, नर सेवा नारायण सेवा। चुनाव 2023 में है बट मेरा सेवा कार्य कभी भी नहीं रुका है, अनवरत चलते रहा है, चाहे कोरोना काल से हो चाहे कुछ भी हो, वो सेवा कार्य चल ही रहा है। धार्मिक आयोजन अनुष्ठान मेरे द्वारा होते ही रहते हैं, पूरे यहाँ क्षेत्र की जनता जब जो चाहती है उस टाइप के आयोजन तत्काल किए जाते हैं। नहीं, ये तो सही है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म भी है कि आपने जो है एक समिति जो है वाकई में बहुत कामयाबी ग्रामी है। तो मेरा ये तात्पर्य है कि विधानसभा चुनाव के लेट को लेकर है ये सवाल। कोई मैं बताया ना, विधानसभा है, मैं भारतीय जनता पार्टी में भी मेरा प्रवेश हुआ है, पार्टी जिसको चाहेगी उसको टिकट देगी और पार्टी के प्रति भी लोग समर्पित रहेंगे, इस टाइप के आयोजनों से पार्टी का हित होगा, बाकी व्यक्तिगत हित या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। तो ये हम आखिर में जानना चाहेंगे कि आश्वस्त रहे जनता की आप जो है बीजेपी के ऊपर कैसे रहेंगे? मतलब भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और वहाँ पे किसी प्रत्याशी का घोषणा या चयन पहले से नहीं होता है, पार्टी का भी जो भी आदेश होगा वो उसी समय ही होगा, उसके लिए पार्टी जो चाहेगी वो सिरोधारी है। पार्टी ने आपको आपका नाम अगर लिया तो आपकी इच्छा क्या रही? पार्टी ने हमारा नाम लिया तो अवश्य लड़ेंगे। धन्यवाद। ये भागवत कथा का आयोजन कैसे मतलब प्लानिंग हुआ? भागवत कथा का आयोजन का पीछे बहुत दिन से मंशा थी, लोग व्यक्तिगत अपने पितरों के आत्मा की शांति के लिए करते हैं, क्योंकि मैं सभी पूरे क्षेत्र की जनता को साथ में लेकर चलता हूँ और सबकी इच्छा थी कि यहाँ हम सब के लिए हम सब भी यजमान बने, जबकि लोग कथा करवाते हैं उसमें खुद घर घर के लोग बन जाते हैं, हमारे हमको नहीं बनाया जाता है करके, तो मैंने फिर ये आयोजन सबके लिए किया है, इसमें सभी जाति के लोग पारी पारी से यजमान भी बनेंगे और सब कथा श्रवण करेंगे और उसका पुण्य लाभ लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री के भी आने की चर्चा है कार्यक्रम, मैंने निमंत्रण सभी को दिया है, वर्तमान विधायक को भी, वर्तमान मुख्यमंत्री को भी, पूर्व मुख्यमंत्री को भी, और अप्रूवल भी सभी ने दिया है, जो भी आएंगे सबका स्वागत है, आप लोगों को भी हमारे बसना ग्रामवासी लोग सब स्वागत करेंगे ही उनका। इसका खर्चा नीलांचल वहन कर रही है या समिति कर रही है, कोई समूह कर रही है? सर्व समाज के द्वारा है, प्रत्येक घरों से दाल चावल वगैरह जो जिसकी जो श्रद्धा है आ रहा है, दान पेटियां भी रखी हुई रहेंगी, जिसको जो श्रद्धा है वो उसमें देगा, उसी से आयोजन होता है।